हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, कूलिंग है और हेल्दी भी है। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट पंच जो बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें और एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। गर्मियों में बच्चों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते हुए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रूट पंच को बनाने के लिए हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। हमने इसमें लिया लीची जो हमने बहुत छोटे छोटे पीस में काट ली है, कुछ आम के पीसेस लिए हैं, रोज सिरप लिया है और ये जूस, आइसक्रीम और कुछ बर्फ के क्यूब्स। आप इसमें कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें आइसक्रीम को ब्लेंड करेंगे। आइसक्रीम आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच आइसक्रीम डाली है। इसके बाद जो आम के कुछ पीसेस लिए थे वो हम इसमें मिक्स करेंगे। करीब वो भी हमने 2 बड़े चम्मच आम के पीसेस डाले हैं इसमें। अब हम इसमें लेकर एक जार को हम ब्लेंड कर लेंगे और देखिए इस तरह बन जाएगा। अब इसमें हमने जूस मिक्स किया है और इसको भी हम मिक्सी में चला लेंगे। इस तरह का पल्प हमारा तैयार हो जाएगा मिक्सी में चलाने के बाद। इसको अब हम एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में हम रोज सिरप डालेंगे। रोज सिरप को हम इस तरह डालेंगे चारों तरफ ग्लास में फैलाते हुए, जिससे टेस्ट भी आएगा और ये ग्लास भी डेकोरेट हो जाएगा। इसे चारों तरफ इसे फैलाएं, इस तरह फैलाते हुए इसे डालें। आप रोज सिरप की जगह रो अफ्जा भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें जो कुछ फ्रूट्स लिए थे हमने उन्हें डालेंगे। कटे हुए फ्रूट्स को आप कुछ भी फ्रूट यूज करें। मैं यहाँ मैंगो और लीची का यूज कर रही हूँ। आप इसमें एप्पल, पपीता, बनाना कुछ भी डाल सकते हैं। जो लीची के पीसेस थे वो भी इसमें डालेंगे। अब इस ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। जो हमने आइसक्रीम और फ्रूट्स का पल्प तैयार किया था अब हम ग्लास में उसे डालेंगे। आइसक्रीम और फ्रूट का मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसमें एक बार और थोड़े से फ्रूट्स डालेंगे। जो भी आप फ्रूट यूज करें कुछ भी इसमें डाल दें। मैं यहाँ आइसक्रीम और इसमें केवल आम और लीची का यूज कर रही हूँ और कुछ हमने कैंडिड फ्रूटी ली है, टूटी फ्रूटी, हम उसको डाल रहे हैं। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। गर्मियों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रिंक है। बहुत ही अच्छी टेस्टी ड्रिंक है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसी लगी।